हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज जो वीडियो है वह किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से कुरियर कंपनीज खोल के आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। भारत, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल भारत के जो लोग हैं वो ऑनलाइन की तरफ काफ़ी ज़्यादा मुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है आप कुरियर कंपनी खोल के आप उनको ऑनलाइन कुरियर की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें देखिए, कोई भी बिजनेस है तो उसमें थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही है, तो ये बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और किसी बिजनेस से इसमें प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। अब भारत में इसका जो सर्विस, कुरियर बिजनेस का जो सर्विस है, स्कोप है, वो किस तरीके से है? तो जैसा कि भारत के लोगों को इसकी ज़रूरत कैसे कैसे पड़ती है, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको किसी बॉस ने बोला कि आप इस सामान को ले जाके आप बिहार में देके आइए, ठीक है। आप जाओगे तो लगभग 2 या 3 दिन आपको, ठीक है, आने जाने में लगेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आपको बिहार, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, तो मिनिमम आपको कम से कम तो 10 घंटे तो कहीं भी जाने में लगेंगे। फ्लाइट से जाओगे आप, खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी तरीके से आप मतलब जाओगे तो आपको मिनिमम 400-500 रुपये तो खर्चा पड़ ही जाएगा। उसी चीज़ को बचाने के लिए कुरियर कंपनीज़ का लोग सहारा आजकल लेते हैं, ठीक है। तो भारत में इसका बिजनेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगर 30-50-100 रुपये में अगले को बिहार में सामान मिल जाए तो वह बिहार क्यों जाएगा। तो इस तरीके से भारत में जो कुरियर कंपनीज़ का विस्तार जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि, ठीक है, कुरियर कंपनीज़ जो हैं, कैसे आप एक कुरियर कंपनीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति कुरियर कंपनीज़ की के कहते हैं बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आप खुद की करियर कंपनी जो है वो शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे, किन कंपनियों की फ्रेंचाइज लेनी चाहिए हम वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, खुद की कुरियर कंपनी की शुरुआत करना, ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक, मैं अपने टॉपिक वाइज मैंने सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया है, मैं आपको उस फॉर्मेट में समझाता हूँ। तो अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं तभी आप इस काम को स्टार्ट करना। वैसे तो आजकल लोग फंड व लोन वगैरह से लेकर भी इस कंपनी की शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा लगता है। कंपनी को शुरुआत में, ठीक है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से प्रोडक्ट के साथ टाई अप करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए अगर मेरे पास मेरे एरिया से कम ग्राहक आते हैं तो जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं उनकी जो नियर बाय आपके एरिया में डिलीवरी होगी वो जो पार्सल है वो आपको मिलेंगे, तो इससे जो है आपकी कमाई और भी बढ़ जाएगी। हम आपको जो भी बताएंगे वो आपकी कमाई से रिलेटेड रहेगा क्योंकि आपकी कमाई ही तो बढ़ानी है हमें। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप किस तरीके से बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कम बजट है, कम पैसा है और आप खुद की कुरियर कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप खुद की कुरियर कंपनी जो है वो स्टार्ट कर सके, तो आप किसी कंपनीज़ की फ्रेंचाइज ले सकते हैं। बिल्कुल, आप डिलीवरी, फेडफैक्स, सरफैक्स, ठीक है, जितनी भी कुरियर कंपनीज़ हैं, DTDC वगैरह, आप जितनी भी आपके नियर बाय में कुरियर दिखता है आप उसकी फ्रेंचाइज जो है वो ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो लागत होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुरियर कंपनी किस जगह पर खोलें जो काफ़ी अच्छा चले, या फ्रेंचाइज किस जगह पर लें जो काफ़ी अच्छा चले। तो देखिए, इसके लिए तो आपको पहले एक जगह निर्धारण करनी होगी कि आपकी जो कुरियर कंपनीज हैं या आपने जो फ्रेंचाइज ली है वह कहां पर ज़्यादा चलेगा, ठीक है, ये डिसीज़न आपको लेना है। इसके लिए आपको एक ऑफिस लेनी पड़ेगी और एक ऑफिस खोलना पड़ेगा। 15x15 का एक वर्क फुट का आपको एक कमरा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप रूम लेकर भी, किराए का रूम लेकर भी ऑफिस जो है वो खोल सकते हैं। अच्छी मार्केट की जगह का किराया तो कम से कम मेरे हिसाब से 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में होगा। तो आप रूम ले लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप फ्रेंचाइज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद
आप बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्ट कंप्यूटर चाहिए होगा, क्योंकि कंप्यूटर ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी आपके पास कुरियर आएंगे वो एक तरीके से ये सोचिए कि कंप्यूटर के ही थ्रू आएंगे, और आपको एक टेलीफोन की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि जो फ़ोन है आपको एक टेलीफोन की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि कुरियर व्यवसाय के लिए आवश्यक लाइसेंस व पंजीकरण प्रक्रिया किस तरीके से है। दोस्तों, हर बिजनेस की तरह कुरियर कंपनीज़ में भी आपको लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता होती है। अब ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप अपने नियर बाय में नगर निगम में जाकर ये ले सकते हैं। यहाँ आपको ज़रूरी दस्तावेज जमा कराने हैं, जैसे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए भरना होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप नगर निगम से करवा सकते हैं। अब हम एक एक चरण में बात करते हैं कि किस तरीके से आप कुरियर कंपनीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कुरियर व्यवसाय की एक रूपरेखा तैयार कर लेनी है कि आपका जो कुरियर है वो घरेलू के लिए आप खोल रहे हैं, राष्ट्रीय के लिए खोल रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय कुरियर का विकल्प जो है आपको कौन सा चुनना है। आप तीन तरीके से है। अब घरेलू क्या होता है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आप पीरागढ़ी में रहते हो, तो जो पीरागढ़ी की लोकेशन है केवल वो आपकी है, ठीक है, वो आपकी है, ये घरेलू में आ जाता है, यानी लोकल में आ जाता है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय क्या होता है, फिर राष्ट्रीय जो जोनल होता है, मतलब आपके एरिया की बाउंड्रीज़ की तरफ जो है, मतलब आपकी, आप जो ऐसे मान लीजिए आप पीरागढ़ी रहते हो, पीरागढ़ी छोड़ के बाकी जितना भी एरिया बचा वो आपका जोनल में आ जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय कुरियर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कुरियर क्या है, यानी नेशनल कुरियर की बात इसमें की जा रही है, ठीक है, इंटरनेशनल की बात नहीं की जा रही, नेशनल कुरियर की बात की जा रही है। तो नेशनल कुरियर क्या है, नेशनल कुरियर जो यानी अंतर्राष्ट्रीय कुरियर जो आपका है वो क्या है, तो वो आपका है, जैसे आप दिल्ली को छोड़ के आप यूपी में जा रहे हैं आपका प्रोडक्ट, ठीक है, आपका सामान जो है वो दिल्ली में छोड़ के आपका पार्सल यूपी में जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका तीनों कैटेगरी डिसाइड होती है। तो आप आवेदन पत्र में ये भर सकते हैं कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। इसके बाद फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको निर्धारण शुल्क का भुगतान करना होगा। और तीसरा स्टेप जो है, आपको कंपनी के लेटर हेड पर आवेदन भरना होता है, जिस कंपनी के साथ आप टाई अप करना चाहते हो उसके लेटर हेड पर आपको आवेदन भरना होता है। स्टेप फोर में क्या होता है कि अगर आप आवेदन पत्र से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए नगर पालिका में जाना पड़ेगा, आपको वहां से आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद फिर आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, सारी प्रक्रिया करनी होगी आपको। स्टेप फाइव में क्या है, स्टेप फाइव में है कि यदि आप किसी पार्टनर या किसी कंपनी के साथ मिलकर यह काम को करते हैं तो वह सारी जानकारी आपको नगर निगम को देनी होगी। स्टेप सिक्स क्या है, यदि आप किसी कंपनी के साथ निवेश में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको नगर निगम को यानी आवेदन पत्र में देनी होगी। उसके बाद फिर स्टेप सेवन क्या है कि आप जहां पर व्यवसाय कर रहे हैं, किस स्टेट में कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक है, विलेज है, सिटी है, जो भी है, मतलब, तो वो सारा आपको आवेदन पत्र में भरना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप एट जो है वो बीमा पॉलिसीज़ हैं कि किस तरीके से आप अपनी कंपनीज को बीमा पॉलिसी में रजिस्टर करते हैं, वो आवेदन पत्र में आपको भरना होगा। स्टेप नाइन क्या है, स्टेप नाइन जो है आपका, वो आपको कर्मचारियों का डेटा देना पड़ेगा कि किस तरीके, भाई मेरे पास ये कर्मचारी काम कर रहा है, ठीक है, अधिकारियों को आपको ये डेटा देना पड़ेगा। और स्टेप टेन क्या है, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर धारक और आपकी आईडी कार्ड, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुरियर का फ्रेंचाइज या एक कुरियर का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, इस तरीके से पंजीकरण होता है, ठीक है। और कम लागत के साथ अगर बिजनेस शुरू किया जाता है, यानी आप एक फ्रेंचाइज लेके इस काम को स्टार्ट करते हो, तो आपको 50,000 से लेके और 1.5 लाख रुपए की लागत जो है वो लग जाती है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शुरुआत में
कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप किस कंपनीज़ की फ्रेंचाइज लेना चाहते हो। और दोस्तों अब लास्ट में जो आपकी ख़ास बातें हैं मैं वो आपको वो बताना चाहता हूँ। तो कुरियर कंपनीज़ में आपको कितना मुनाफा होगा, जहाँ तक मुनाफे की बात है तो बिजनेस शुरू करना चाहते ही हैं आप तो बिजनेस शुरू करने के बाद महीने में आपको 20 से 25,000 रुपये का फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे कि फ्लिपकार्ट कंपनीज़ हो गई, आप अगर फ्लिपकार्ट कंपनीज़ के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, ये आपको कमीशन के आधार पर प्रॉफिट देती हैं। अगर मान लीजिए आपके 50 प्रोडक्ट्स आपके एरिया में फ्लिपकार्ट के आए तो ये आपको 50% के प्रोडक्ट के हिसाब से 1% 2% जिस हिसाब से इनका कमीशन होता है वो आपको कमीशन देंगे। मतलब जितना ज़्यादा आप एक दिन में डिलीवरी करते हैं, मतलब मान लीजिए आपके पास 50 प्रोडक्ट्स आए, अगर आपने 50 के 50 एक दिन में डिलीवर कर दिए तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, उससे आपको बोनस पॉइंट्स मिलता है। तो इस तरीके से आप कुरियर कंपनीज खोल के काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आशा होगी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आप एक कुरियर बिजनेस खोल सकते हैं। आप चाहे ये बिजनेस गांव में खोलिए, शहर में खोलिए, कस्बे में खोलिए, कहीं पर भी खोलिए, आजकल सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। तो अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और टॉपिक पे कुरियर से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि पर्टिकुलर कंपनी से हम किस तरीके से फ्रेंचाइजी लें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, आप कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे, मैं भी रात में सबका कमेंट पढ़ता हूँ। तो आप क्या कहते हैं, आप अगर कमेंट में डालेंगे तो मैं चेक करूँगा, आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेटिव बिजनेस के साथ, क्योंकि ये देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आपको पैसे कमाना है, ये नहीं है कि मैं बता दूं आप जीरो लागत से लाखों रुपए कमाने वाले वो बिजनेस कर दीजिए, देखिए वो सारी बातें अलग नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐसा बिजनेस बताऊंगा जो वर्थ इट हो, जो काम करे, ठीक है, जिसमें आप सच में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकें, क्योंकि आप भी इतनी देर से जगह जगह ढूंढ रहे हो तो आपको भी पैसे कमाने वाला ही बिजनेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि फालतू के लिए आप घूम रहे हो, देखिए समय सबका बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से, ठीक है, आप कुरियर कंपनीज खोल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत, हमारे अगले वीडियो को इंतज़ार बहुत जल्दी आपका ख़त्म होगा, जल्दी हम